हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको थ्री लेयर वाला मास्क बनाना सिखाती हूँ, जिसमें हम पेपर कैनवास यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं उसका कटिंग एंड स्टिचिंग। जैसे 11 इंचेस लेंगे और ऐसे 5.5 इंच लेंगे, 5.5 6, आपको बड़ा चाहिए तो 6। ये मैं मीडियम मास्क बना रही हूँ। जो सिर्फ हम कपड़ा यूज़ करके करते हैं वो डबल लेयर हो जाता है, ये ट्रिपल लेयर हो जाएगा। ये मैंने 5.5 इंच by 5.5 इंच का 2 चौकोन लिया है। यहाँ 1 इंच पे मार्क कर दीजिए दोनों साइड और ये जोड़ दीजिए। ये फोल्ड के अपोजिट साइड किया है मैंने, यहाँ फोल्ड है। इसका सेंटर निकालिए, सेंटर से 1/2 इंच नीचे आके यहाँ इस तरह से कर्व बनाइए। ये नाक के लिए कर्व है, ये नीचे का हिस्सा है। यहाँ से 1 इंच अंदर लेके टाइट बैठने के लिए हमने ये शेप किया। यहाँ से 1 इंच अंदर लिया है और यहाँ से अभी कर्व करेंगे। इस तरह से ये पेपर कटिंग है। ये 2 हिस्से हो जाएंगे। अभी ये चिपका के लेंगे, कैनवास पेपर चिपकाया है। अभी ये 1/2 इंच छोड़ के कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ हल्का सा मार्जिन छोड़ा है, ऐसे ही हम अस्तर पे कटिंग करके लेते हैं। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ स्टिच करके लेते हैं। पहले ये 2 कैनवास चिपके हुए हिस्से लिए हैं और यहाँ राउंड में सिलाई देना है। सिलाई तक ही कट मारना है, सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। कट्स मार के पलटी करके लेते हैं। ये कैनवास की वजह से ये ऐसे कड़क बैठेगा। कट्स मार के पलटी करके लेना है। नोज के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें नोचेस लेना है। ये कैनवास की वजह से इतना अच्छा फिनिशिंग आता है। अभी इसमें टाप सिलाई देके लेंगे। सुई की मदद से हम इलास्टिक पास करेंगे। इस तरह से धागे में इलास्टिक अटका के लेंगे और ऐसे पास करेंगे। ऐसे लॉक करेंगे। मास्क तैयार हो गया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।